हानोता बांध डूब क्षेत्र के किसानों के आपत्तियों के निराकरण के लिए शिविर का आयोजन हुआ। विदिशा के पठारी में 1,350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हनोता बांध में 19 गांव डूब क्षेत्र में हैं। मुआवजा वितरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। 7 ग्रामों के लिए मुआवजा वितरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष ग्रामों में मुआवजा वितरण की तैयारियां की जा रही है और उन ग्रामों के किसानों की पूर्व में दी गई आपत्तियों के निराकरण हेतु पठारी तहसील में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्राम बिसराही के किसानों की शिकायतों का निराकरण किया गया, जिसमें किसानों ने 220 आपत्तियों के आवेदन आए जिनका निराकरण किया गया। कुछ आपत्तियों पर किसान संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी प्रशासन के द्वारा उन शिकायतों का निराकरण मान लिया गया है। इस दौरान हनोता बांध की भू अर्जन अधिकारी और SDM अंजलि शाह और तहसीलदार RK मेहरा ने किसानों की मौजूदगी में तहसील परिसर में शिविर का आयोजन किया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।